Hi, I'm Harshita Khatri. I passed my graduation from Tver State Medical University from Russia in 2018. And today we are going to tell you something about Tver. जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारा MCI निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आपको यहाँ से पूरी गाइडेंस दी जाती है कि आपको MCI के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है और किस टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। यही रीज़न था कि इस बार तवेर का जो 185 बैच हम बैचमेट्स थे उसमें से हाईएस्ट पासिंग मार्क्स जो थे वो तवेर यूनिवर्सिटी को मिले हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से जो वहाँ के प्रोफेसर हैं उनकी भी अप्रोच इसी डायरेक्शन में होती है कि हम ऐसे ही पढ़ाएं कि बच्चे के वहाँ के एग्ज़ाम भी निकलें, और उन्हें एक ऐसा डॉक्टर बनाएं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही मिले बच्चे को, ताकि वो पेशेंट को देखते ही बता सके कि हाँ इसको ये डायग्नोसिस बन सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ये हो सकते हैं। और जो आपका MCI स्क्रीनिंग है उसके लिए आपको वहाँ पे डेमो क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें आपको 2-3 डेज़ की फ्री क्लासेस होती हैं, और इन फ्री क्लासेस में आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है। जो गौतम नगर है वहाँ पे एक हब बना हुआ है MCI का, वहीं पे मोस्टली स्टूडेंट रहते हैं और वहीं पे वो लोग MCI की तैयारी करते हैं, और वहाँ पे रहकर ही सारे कुछ 6 मंथ में तैयारी करता है, कुछ जब आप वापस आते हो जो 2-3 मंथ्स का गैप होता है उसमें कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ वहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके ही आप MCI स्क्रीनिंग टेस्ट अपीयर करते हैं और इसे पास करते हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको पास कर लो तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप फुल एनर्जी से अपना पास आउट के लिए प्रिपेयर करते हो। उसके बाद फिर थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है सेकेंड टाइम में, बट यू हैव टू क्लियर द MCI एग्ज़ाम। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा गर्ल्स की सेफ़्टी के रिगार्डिंग वहाँ पे, क्योंकि फ़ीमेल के पेरेंट्स ज़्यादा चिंता में होते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे सिक्योर रहें। तो गर्ल सिक्योरिटी है, फ़ीमेल मेजॉरिटी कंट्री है रशिया। आप लेट नाइट आते हैं तो आपको रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करना होता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। ड्राइवर्स वगैरह भी बहुत हेल्पफुल हैं रात को, अगर आप कहीं अटक जाते हैं एंड अगर आप हेल्प मांगते हैं तो रशियन पीपल आर वेरी हेल्पफुल, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं और आपको सेफली आपके जो प्लेस है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और रशिया में अगर सेफ्टी ना होती तो मैं अपनी सिस्टर को भी वहाँ लेके नहीं जाती, और जैसे मैं अपनी सिस्टर को लेके गई, मेरे बहुत सारे कुलीग्स ऐसे थे जिनके ब्रदर सिस्टर बाद में वहाँ आए, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स वो रशिया में अब पढ़ रहे हैं राइट नाउ, और उनका भी यही मानना है कि इंडिया से ज़्यादा सेफ रशिया है आज की डेट में, और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमारे कभी कभार सुनने में आता था कि रशिया इज़ नॉट सेफ, आप फीमेल चाइल्ड को मत भेजो रशिया। तो उस अगर देखा जाए, उस डायरेक्शन में देखा जाए, तो रशिया एक सेफ कंट्री है, फीमेल्स आर मोर सेफ देयर, और ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है कि रशिया में आपको फूडिंग की प्रॉब्लम आएगी या आपको क्लोथ्स की दिक्कत आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर फूडिंग की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे अब मोस्ट ऑफ़ द इंडियन फूड वहाँ मिल जाता है, और यू कैन परचेज फ्रॉम देयर अगर आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहे। और क्लोथिंग है तो क्लोथिंग वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो होती है और वहाँ आपको इजीली मिल जाती है मॉल्स वगैरह में।